मैं तो सबसे पहले तो ये जो इन्होंने शुरू किया है अग्निवीर, मैं इसका आलोचक हूँ, ये गलत है। ये फौज को ख़त्म करने का दो साजिशें हैं सरकार की। खेती ख़त्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो ताकि किसान छोड़ भागें, और फिर इसको कॉरपोरेट को दे दो। इसी तरह से इनके बच्चे फौज में जाते थे, फौज को निरर्थक कर दो। अब ये बताइए, 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने जा? मेरे बेटे के पास, वो बेचारा तो कमा के, वो डिजाइनर है, काम करता है और खाता है, उसको क्यों लाते हो? मीडिया मेनस्ट्रीम में चला है स्टोरी से? नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं देखी मैंने, आप ही कह रहे हैं। सर, अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं, बीजेपी का भविष्य कैसा लग रहा है? मैं तो विश करता हूँ उनको ठीक रहे, पर कुछ राजनीति का और चुनाव का कोई पता नहीं होता क्या होगा। जो मौजूदा परिस्थितियाँ उसमें क्या लग रहा है? मौजूदा परिस्थितियाँ उनके लिए कठिन है, उनको कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। एक तो अडानी वाला मामला जो है, उससे प्रधानमंत्री को हाथ धोने पड़ेंगे। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। पार्लियामेंट में भी वो बोले तो अडानी पे नहीं बोले हैं, उसको अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और ये पुलवामा पे भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, और एक्शन, अगर कोई जांच हुई है तो एक्शन लेना चाहिए। आखिरी सवाल सर, आप अपनी सुरक्षा को लेकर भी कई बार बता चुके हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर। मेरी सुरक्षा कश्मीर की जो कमेटी होती है, उन्होंने लिखा था कि इनको यहाँ खतरा है, पाकिस्तान के एलिमेंट से भी, लोकल से भी, और इनको जेड प्लस सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अब सिर्फ एक वो है PSO, दैट्स ऑल। पर मैं उसकी शिकायत नहीं करता, वो समझेंगे बड़ा मैं डर गया। मरना तो इंदिरा गांधी तो सारी सिक्योरिटी के बीच में मर गई थी, कि मरना होगा मर जाएंगे। जातिगत जनगणना के बारे में, जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा भी, आप ये जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें आपने कहा था कि मेरी जाति और मेरी कौम के लोग अगर बीजेपी ने मुझे मरवा दिया तो वो सभाएं नहीं करने देंगे, इसके बारे में क्या? मुझे अपनी कौम पे फख्र है कि वो अगर मेरे साथ जाति होगी तो वो जरूर रिएक्ट करेंगे। तो किसान आंदोलन जैसा मूवमेंट दोबारा बीजेपी के सामने आ सकता है, ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट लंबा मूवमेंट चला था, सरकार बैकफुट पे आई थी? आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है देश में? ना, मुझे अभी नहीं लगता, लेकिन होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, साथ रहूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। को लेकर जो कमेटी बनी थी वो आज तक नहीं बनी है? वो जो कमेटी बनी थी उसका अध्यक्ष वो आदमी था जिसने काले कानून ड्राफ्ट किए थे, तो इसी वजह से किसान संगठन उसमें गए ही नहीं। और उस कमेटी ने मुझे लगता अभी तक कुछ नहीं किया, लंच भी नहीं किया किसी दिन, कोई एक्टिविटी उसकी नहीं आई है। इसके माने सरकार की नीयत MSP पे ठीक नहीं है, और अगर MSP का उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो उनको कठिनाई होगी। जी सर, आप कैसे कमेंट कर सकता हूँ? वो प्रधानमंत्री के सीरियस उम्मीदवार हैं, और उनके भाग्य में होगा तो हो जाएंगे। चूंकि वो हस्ताक्षर का मुद्दा छाया हुआ था, एक का नाम आपने लिया था, दूसरा कौन है सर, जो संघ से जुड़े? देखिए, ये दो फाइलें नहीं थी, दो मामले थे। एक था इंश्योरेंस का और एक था एक हाइडल प्रोजेक्ट का। तो हाइडल प्रोजेक्ट में संघ का कोई आदमी नहीं था, हाइडल प्रोजेक्ट में जो आदमी था वो प्रधानमंत्री जी के काफ़ी नज़दीक है। वो मैंने उनको, उन्होंने मेरे से कई बार कहा था, भाई तुम उससे मिले नहीं मिले, हसीब द्राबू उसका नाम है। तो मैं एक दिन मिल लिया तो उसने फिर कहा कि आपने बड़ा बुरा किया, हमारा वो ख़त्म कर दिया, पर हम तो करा लेंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को दूसरे तीसरे दिन जब मिलने गया तो मैंने कहा साहब, वो मिल लिया मैं हसीब द्राबू से, वो तो ऐसे ऐसे दलाली का केस ले रहा था, मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने ही सपोर्टेड मी कि ठीक किया तुमने। दूसरा जो इंश्योरेंस का मामला था उसमें, और ये करेक्ट कर लें, आपके सामने कह रहा हूँ फिर आप कहेंगे, मुझे किसी ने कोई ब्राइब ऑफर नहीं की थी। मुझे अफसरों ने बताया था कि इनमें इतना रुपया है, इन दोनों केसेस में इतना रुपया इन्वॉल्व है, यानी किसी को मिलेगा। तो खैर वो तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए वो ना मिला ना सवाल उठा। लेकिन ये जो थे RSS वाले, अपने राम माधव जी, जिस दिन मैंने कैंसिल किया इंश्योरेंस वाला,
उसके अगले दिन सवेरे बिना नहाए धोए मेरे घर आ गए और मैं भी नहीं नहाए, 7 बजे थे। तो खैर मैं शिष्टाचार में उनसे मिला, मेरे को बता भाई सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो कैंसिल कर दिया क्या, मैं कहा मैं तो कैंसिल कर दिया। कहने चिट्ठी चली गई, मैं कभी पूछता हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके पूछा कि उसकी चिट्ठी चली गई क्या, कहें जी वो तो रात ही चली गई। तो वो काफ़ी व्यथित हुए और चले गए फिर, बस इतनी हमारी बात थी। उन्होंने ना कुछ मुझे ऑफ़र किया ना मैंने उन्हें कुछ ऑफर, पर उनकी उसमें दिलचस्पी थी कि वो हो। खबरें तो ये चली थी 300 करोड़ का ऑफर दिया गया, 150-150 करोड़ था दोनों में 150-150 करोड़ था। ये पूरे टॉक ऑफ द टाउन थी। ये ऑफर मिला था आपको जी? ऑफर आया था कि नहीं? मुझे नहीं आया किसी का, मैं झूठ नहीं बोलने का, किसी का ऑफर नहीं आया मुझे। जैसे किसान आंदोलन में राकेश की खेत की संपत्ति को लेकर मीडिया में कई बार डिबेट चली थी, उनके परिवार की संपत्ति को लेकर, ऐसे ही ये बयान देते ही आपके बेटे को लेकर ऐसे कई दिन रहे हैं, अब चुनाव भी है, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी हो सकता है? कुछ चुनाव में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जनता जनार्दन है, पता नहीं किसका पलड़ा भारी कर दे किसका नीचे। तो आपको, आपसे जानना चाहता हूँ मैं क्या हाल है। आपने भी तो फीडबैक लिया होगा ना सर? मेरा फीडबैक मेरे साथ है, उसको मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगा। और एक दिन में राजनीति बदलती है। आपने एक जगह कहा था कि यदि वसुंधरा राजे उम्मीदवार हो तो बीजेपी जीत सकती है। ये वसुंधरा राजे अगर उम्मीदवार हों तो बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर वो उम्मीदवार नहीं होंगी तो बीजेपी के कोई चांसेस नहीं। सर, 3 काले कानून जो आंदोलन हुए, क्या वो वापस बैक आ सकते हैं पटल पर, देश के पटल पर एक बार फिर? वो नहीं आ सकते, हम जब मर जाएंगे तब आ सकते हैं। जब तक हम लोग हैं, किसान संगठन हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकते। मेरा एक सवाल है जी, आपने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा, पुलवामा को लेकर जो कहा, आमतौर पे अगर इस तरह का बयान आता तो उस पर काफ़ी माहौल बनता, काफ़ी लोगों में चर्चा बनती, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आपके इंटरव्यू पे बात बिल्कुल नहीं करी है, ना प्रधानमंत्री कोई जवाब दे रहे हैं, ना पीएमओ ने कोई उसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। क्या लगता है आपको जब आप इस तरह की स्थिति देखते हैं कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाद? मेरी जानकारी ये है, देखिए सोशल मीडिया ने तो कोई कमी नहीं की है, मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए इसकी, और 8 दिन से अतीक चल रहा है, ये नहीं चल रहा। वो तो सोशल मीडिया है, वो उठाए हुए, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। सर, एक सवाल ये है, आप ने पुलवामा का मैटर उठाया, बिना युद्ध के नौजवानों की जो है शहादतें हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार गंभीर है, क्या कुछ कर रही है? नहीं, उसमें तो जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं तो सबसे पहले तो ये जो इन्होंने शुरू किया है अग्निवीर, मैं इसका आलोचक हूँ, ये गलत है। ये फौज को ख़त्म करने का दो साजिशें हैं सरकार की, खेती ख़त्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो ताकि किसान छोड़ भगें, और फिर इसको कॉरपोरेट को दे दो। इसी तरह से इनके बच्चे फौज में जाते थे, फौज को निरर्थक कर दो। अब ये बताइए 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने? पुलवामा अटैक को लेकर आपका जो बयान है वो काफ़ी चर्चा में है जी। हम सीधा ही सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए जानबूझकर ही अटैक करवाया गया था? नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी, हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान, मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है, वो 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए, फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट, जहाँ वो हुआ है घटना हुई है वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है, कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम यह है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं, वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें,
मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ और अगर हम जहाज़ दे और भी कई गलतियाँ पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि एक दो चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है, अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका दो जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइट ले लिया और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे, वो किया हमने। लेकिन आप तो LG थे, पुलिस और CRPF तो आपको रिपोर्ट। वी लाइक कम टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडेरिटी विद यू, आप किसानों के लिए लड़े थे, अब आप लड़ रहे हैं तो हम आपको सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि फलां तारीख में आ जाइए, मेरे घर पे इतनी जगह नहीं थी, वो लोग हो रहे थे करीब 70 खापों के लोग थे, 300-400 के करीब। तो मैंने उनको वो सामने एक एरिया है उसका सेक्टर 12 है इसका आर के पुरम का, वहाँ उनके खाने का इंतज़ाम कराया, शामियाना लगवाने लगे। तो मैं घर पे तैयारी हो रहा था तब मुझे खबर आई कि पुलिस पहुंच गई है वहाँ और पुलिस कह रही है कि यहाँ आप ये नहीं कर सकते। मैं गया तो पुलिस के बड़े अफसर भी थे, DCP ACP, उन्होंने कहा सब हमें हुक्म है आपका, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। मैं कहा भाई क्यों नहीं होने दोगे, खाना ही तो बना रहे हैं, खाना तो कहीं भी बना के, नहीं नहीं ये DDA का पार्क है, आपने इजाज़त नहीं ली, और इजाज़त मैं लेता तो वो देते नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम फजीता करना चाहते हो तो करो, चलो मैं चलता हूँ, थाने में ही बनेगा अब हमारा खाना। तो हम सब वॉक करके थाने में चले गए, फिर वहीं खाना बना, वहीं खाया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने ये भी दिया प्रेस को कि हमने कभी उनको वो नहीं किया, डिटेन नहीं किया। सर एक पुलवामा को लेकर अभी सरकार से आपकी कोई मांग है क्या? ना मेरी कोई मांग नहीं, मैंने तो एक जो बड़ा इंटरव्यू था कोई अकेले पुलवामा पे नहीं किया था मैंने, वो एक घंटा कुछ मिनट का इंटरव्यू था, उसने एक साधारण तौर पे जिक्र कर दिया था कि ऐसा हुआ था। सरकार जाने अपना काम, उनकी ड्यूटी है वो। सर आप जनता दल में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, BJP में रहे, आगे क्या इरादा है? अब मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। सर PM मोदी के खिलाफ विपक्ष में प्राण फूंकने का काम कर रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं फूंक रहा, प्राण तो विपक्ष खुद चाहेगा तो फूंक जाएंगे। विपक्ष को सिर्फ इतना करना है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा कर दो, मोदी जी विल बी नो वेयर, उसी में हार जाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? संभव है, ये तो मुझे लगता है हुआ पड़ा है। कौन है चेहरा? नहीं चेहरा नहीं होता इसमें, चेहरा तो देखो 77 में भी नहीं था, 67 में भी नहीं था, जब जनता तय करती है हटाने का तो हटा देती, बाद में हो जाएगा जो जिसको वो करेंगे लोग। सर नेशनल इश्यूज की बात हो रही है जी, वर्तमान में बहुत सारे लोग पहले भी जाते थे, अब भी जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, देश इंडिया का थाईलैंड के साथ रिश्ता जगजाहिर किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर किस? अभी कहाँ बोल रहा हूँ मैं, बता रहे हैं ना, ये तो मैं तब भी बता रहा था, ये लापरवाही थी बड़ी, बहुत बड़ी लापरवाही थी हमारी सबकी थी, मैं भी मेरी भी है सबकी है। आपने क्या किया? आपने पब्लिकली क्यों नहीं कही ये चीज़? पब्लिकली कहा ना मैंने? नहीं सर उतना खुलकर आप उस बोल नहीं पा रहे थे, किसान आंदोलन के दौरान आप सरकार को घेरना शुरू कर चुके थे। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला, इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है। नहीं सरकार की तरफ से जाट उपराष्ट्रपति के लिए चेहरा थे कौन? मैं कभी नहीं था, मैं कभी छुप नहीं था, मुझे कहा गया था कि अगर तुम किसानों पे नहीं बोलोगे तो राष्ट्रीय बन सकते हो बन सकते हो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना पर मैं किसानों पे ज़रूर बोलूँगा। लोग कह रहे हैं कि इस टीस में आप ना, मुझे कोई टीस नहीं है किसी भी तरह की। तो सर जवानों की जो जिंदगी थी उससे ज़्यादा PM का लिहाज जरूरी हो गया? नेचुरली आप जिसके नौकर होते हैं
तो उसका लिहाज करते हैं। अब मैं उसमें जवानों की ज़िंदगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी, मुझे ये पता चला कि उसमें जांच हो रही है, मुझे लगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी जो कभी नहीं हुई। सर आर्टिकल 370 उसके बाद में ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर अब अमन चैन है, वास्तव में जो दिखाया जा रहा है वो है रियल में या और कुछ? वो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा कश्मीर पे, पर मैं जब था तो मुझे पूरे टर्म में एक गोली नहीं चलानी पड़ी। इन तीन चीफ मिनिस्टर्स को मैंने गिरफ्तार किया, कुत्ता भी नहीं भौंका, कोई शोर शराबा कुछ नहीं हुआ, तब बिल्कुल अमन चैन था। और टेररिस्ट भी श्रीनगर में आते हुए डरते थे, अब तो श्रीनगर में आके सीआरपी पे हमला करते हैं। अभी सीबीआई का समन आपके पास आया है जी, जी इंटरव्यू देने के बाद आया जी जी, क्या ये इंटरव्यू की देने के इंटरव्यू? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि सीबीआई का समन कोई मुझे नहीं आया है कि भाई आप मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। मैंने किसी मामले को खोला था कि इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसकी जांच हो रही है, उसमें मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझे कहा गया है कि आप अवेलेबल हो गए क्या, और वो मेरे ही घर पे आ रहे हैं, मुझे कहीं बुलाया नहीं है। तो अभी आपसे कुछ लोग संगठन के लोग मिलने आ रहे थे दिल्ली में, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, फिर आप थाने में गए थे? वो तो असल में ये जो हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, पता नहीं आपके यहाँ है तो आपके यहाँ भी? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। मील खाप तो है, कोई रियर मानो, बाकी खाप खाप हरियाणा और यूपी में खाप है हमारे यहाँ। तो हरियाणा की खापों ने ये कहा था कि एक दिन हम आके आपको वी लाइक कम टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडेरिटी, अपनी जान देने जाएगा, मजबूरी में नौकरी के लिए वो चला जाएगा, पर उसमें वो जज्बा होगा क्या जो होता है? राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है जी संसद से, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या वो इलीगल है? नहीं, लीगल तो वो जल्दबाजी में किया, उसको टाइम देना चाहिए था सॉरी ऊपर कोर्ट में जाने के लिए। सबसे ख़राब काम हुआ है कि उसको पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई स्पीकर की तरफ से, जो उसका अधिकार था। जब उसके खिलाफ तीन मिनिस्टर बोले तो उसका ये अधिकार, उसकी गैरहाजिरी में बोले तो उसका ये अधिकार था कि वो उनका जवाब दे, लेकिन वो स्पीकर ने उसको अधिकार नहीं दिया। सर अमित शाह ने कहा है कि आप उनसे दूर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे कितना दूर हो चुके हैं, क्या कुछ? अमित शाह साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनसे मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहता। उनकी जो एक मूल बात है और वो ये है कि जब वो गवर्नर थे तब उन्होंने ये बातें नहीं उठाई, तो मैं एक करेक्ट कर दूँ, मैंने तब पुलवामा भी उठाया था, सेम डे उठाया था, अगले दिन उठाया था, कई बार उठाया था, और किसानों वाले मुद्दे भी मैंने जब मैं गवर्नर था तभी उठाए थे। तो ये गलत है कि मैं जब पावर से हट गया तब मैंने उठाया। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, नारा दे रही है, लेकिन जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरने पर बैठे, बहुत शर्मनाक बात है। और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊँगा, बच्चियों से, कितनी मेहनत करके कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, और उनका और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया तो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने MP को हटा नहीं रहे हो। सर राज्यपाल रहते हुए आपके कई बार ऐसे बयान है जो ताल्लुक नहीं रखते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से जी, उसके बाद भी कभी इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए या आपको हम हटा देंगे? मैं तो जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता था इस्तीफा जेब में रख के जाता था, अगर मेरे से एक बार भी मांगते, चूँकि मैं इस बात का आभारी हूँ कि उन्होंने ही मुझे बनाया, और ख़ासतौर से अमित शाह जी कहते तो एक मिनट में दे देता इस्तीफा, लेकिन मुझे एक आध लोगों ने सलाह दी कि तुम बेवकूफ़ी मत करना, बिना मांगे मत देना, मांगे तो देना।